हमारा क्वेश्चन है, फोर पार्टिकल्स हैविंग मासेस m, 2m, 3m एंड 4m आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एज ए, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सेंटर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बोला है, एक स्क्वायर के साइड्स में कॉर्नर्स पे मासेस रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे m रखा हुआ है, उसके बाद 2m, फिर 3m और यहाँ पे 4m। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद क्या बोला है कि इसका जो साइड्स है वो a है और इसके सेंटर में, स्क्वायर के सेंटर में एक मास रखा हुआ है स्मॉल m, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है हमें। तो अगर मैं सेंटर पे रखूँ तो ये हो जाएंगे हमारे डायगनल्स। ठीक है, तो मतलब मास यहाँ कहीं पे बैठा वो स्मॉल m का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका साइड हमें बोला है कि a है। ठीक है, स्क्वायर का साइड a है, मैं क्या बोल देता हूँ, जो हमारा डायगनल है या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसे एल एल बोल देता हूँ। ठीक है, मतलब ये भी एल और ये यहाँ से इतना एल, यहाँ से इतना एल, यहाँ से इतना एल और यहाँ से इतना एल। ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को नाम भी देता हूँ ए, बी, सी और डी, तो काम थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि जो फोर्सेस होते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2। ठीक है, जिन दो जो बॉडीज़ के बीच में फोर्स लग रहा है, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उनके डिस्टेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारा मास है, ये मास इसकी वजह से इधर एक फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से भी इधर एक फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से भी इधर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इधर फोर्स लग रहा है। तो इस पर अगर हम नेट फोर्स अगर देखें, तो यहाँ पे देखो हमारा मास m है और यहाँ पे 3m है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मास कम है तो इसका फोर्स भी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3m का है तो मतलब अगर नेट फोर्स निकाले तो इस पे टोटल 2m का नेट फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे है, यहाँ पे 2m मास है और यहाँ पे 4m मास है, तो नेट फोर्स इसकी तरफ लग रहा होगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। ठीक है, और इसका मास कितना ज़्यादा है, 2m, तो मतलब नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा इस तरफ, 2m का। तो यहाँ पे अगर मैं इसका अलग से केस बना के दिखाऊँ आपको हो क्या रहा है इसके साथ, तो ये हमारा पार्टिकल है m मास, मतलब मास m है। अब इस पे देखो फोर्सेस दो डायरेक्शन में लग रही हैं, एक तो इस डायरेक्शन में 4m और 2m के वजह से, और एक इस डायरेक्शन में 3m और m की वजह से। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये यहाँ पे फोर्स 2m की लग रही है, यहाँ पे भी 2m मास की वजह से फोर्स लग रही है नेट, जो मैं बोल रहा था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों फोर्सेस को हम अगर रिजॉल्व करें, अगर फोर्सेस को रिजॉल्व करें, देखो इसको जब रिजॉल्व करेंगे, इसको मान लो मैंने F फोर्स बोल दिया, मास यहाँ 2m है और यहाँ पे भी 2m है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, तो मतलब FF फोर्स बोल दिया मैंने, तो मान इस डायरेक्शन में अगर ये हमारा थीटा बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा, 45 होगा, तो यहाँ पे हमारा थीटा कितना बनेगा, 45। तो ये अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस 45, है ना, और इधर अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ साइन 45, है ना। अब देखो इस वाली फोर्स की वजह से अगर मैं लिखूँ तब भी हमारा इधर ही होगा एक कॉम्पोनेंट इसका, वो भी क्या होगा, F cos 45, और इसका भी एक इस डायरेक्शन में होगा F sin 45। ठीक है, अब ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा, इस पार्टिकल पे नेट फोर्स नीचे की तरफ हुआ। नेट फोर्स अगर नीचे की तरफ हुआ तो हम निकाल सकते हैं, पर उसके लिए हमें इसका डिस्टेंस भी चाहिए होगा, हमें फोर्स पता लग गया कितना इस पे, F cos 45 का फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो नेट फोर्स लग रहा है वो भी दो फोर्स, मतलब 2 × F cos 45 नेट फोर्स लग रहा है। अब क्या करना है हमें, इनका डिस्टेंस भी तो निकालना है, तो डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मैंने बोला L हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, L हमारा होगा a बाय रूट टू के इक्वल, है ना, तो 2L हमारा 2√a, तो यहाँ से L क्या आ गया हमारा, रूट टू a बाय टू। ठीक है, तो L का हमारा डिस्टेंस आ गया रूट टू ए बाय एल। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सिंपली,
तो हमारा एफ नेट जो फोर्स है, नेट फोर्स जो है वो क्या है, वो टू ट्वाइस ऑफ एफ कॉस 45 है, ठीक है। तो यानी कि √2 एफ हो जाएगा, है ना, कॉस 45 की वैल्यू डालेंगे तो हमारा जो एफ हुआ वो किसके इक्वल हो गया, जी 2m और m लग रहा है, ठीक है। ये एफ की वैल्यू निकाल रहा हूँ पहले मैं, ठीक है, और उनका डिस्टेंस क्या है, ए बाय √2 स्क्वायर इसका। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 4gm² अपॉन ए स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा जो एफ है। अब हमें क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है। तो एफ नेट के लिए क्या करेंगे, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा एफ नेट आया वो क्या आया, 4√2gm² अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा नेट फोर्स जो स्मॉल मास पे लग रहा है, जो कि है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।